नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक राठौर, आयुर्वेदिक फिजिशियन, स्वागत करता हूं आपका हेल्थ प्लस चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर बात करी थी, उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं आपके समकक्ष बैठा हूं। बहुत सारे पेशेंट्स के बहुत सारे कॉल्स आई, कुछ के फ़ोन आए, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में उनके क्वेश्चंस थे। जो अनसुलझे सवाल हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं एक एक करके उन क्वेश्चंस को बोलूंगा और उनका जवाब बताऊंगा। मैं किसी भी पेशेंट का नाम नहीं लूंगा, और जिसकी जो भी क्वेरी है, आगे कोई भी आपकी कोई दुविधा है, आपके कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उनका लिख दीजिएगा, मैं उनका अगली वीडियो में फिर से जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन है किसी शख्स का, जिनका कहना है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ईडी की प्रॉब्लम से सिर्फ दवाई से ही ठीक हो सकती है। देखिए, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन के दो कारण होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है साइकोलॉजिकल। जो परेशानी साइकोलॉजिकल है, जो मानसिक रूप से बीमारी है, उसका इलाज जो है वो दवाइयों से बेहतर आपके पास खुद है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट खुद ही मान लेता है कि वो इस बीमारी से ग्रस्त है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, जिससे वो मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाते हैं। उनका आत्मविश्वास खत्म होने के कारण उनको ऐसा लगता है कि शायद वो जीवन में कभी संबंध नहीं बना पाएंगे, और वो एक मानसिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं, उनका मनोबल बिल्कुल टूट जाता है। ऐसे लोगों को दवाई की नहीं, उनको अपनी सोच से उनको ठीक होना पड़ेगा, उनको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस दोबारा से पैदा करना पड़ेगा, या फिर किसी साइकेट्रिस्ट से इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को इस बीमारी से निकलने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का, जिन्होंने पूछा है कि अगर किसी को ईडी की प्रॉब्लम होती है तो क्या इसका इलाज है, क्या आपसे हम संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को ईडी की मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी है, तो वह निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकता है। अगर उनको मानसिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की हमारी मदद की ज़रूरत होगी, तो हम बिल्कुल निसंकोच उनकी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या आप ऑनलाइन यानी वीडियो कॉलिंग पर भी ईडी से बीमार व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो कॉल करता है या फ़ोन कॉल करता है, अगर उनको मानसिक रूप से ये बीमारी है, तो हम उनको समझा के उस बीमारी से निकलने का रास्ता बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है वीडियो कॉलिंग से हमसे संपर्क करने के लिए, तो हम एक समय निर्धारित करेंगे, और उस समय पर आप हमें वीडियो कॉल करेंगे, आपके समकक्ष सामने बैठ के मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। अगले व्यक्ति का यह क्वेश्चन है, आपकी फीस कितनी है और ईडी के इलाज में कितना खर्च आता है। देखिए, ये बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। मेरे क्लिनिक पे कोई आता है तो मेरी फीस सिर्फ 300 रुपये है, और हर व्यक्ति का एक इलाज का एक क्राइटेरिया अलग है। किसी को कुछ कम दवाइयों से इलाज संभव है, किसी को ज़्यादा दवाइयों से संभव है, तो हर व्यक्ति पे ये निर्भर करता है। और ये भी हो सकता है कि उसको कोई शारीरिक रोग ना हो, मानसिक रोग हो, तो ये भी हो सकता है शायद समझाने से उसकी ये बीमारी ठीक हो सके। एक क्वेश्चन और है कि ईडी की प्रॉब्लम केवल मानसिक या फिर शारीरिक भी हो सकती है। देखिए, ईडी के कारण दोनों ही होते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक। हर व्यक्ति का कारण एक अलग होता है, तो हम सारी बीमारी को हम इस दो रूपों में नहीं ले सकते। कुछ व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जिनको ये ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़े से शारीरिक रूप से बीमार तो होते हैं, मगर वो उसे मानसिक रूप से बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो कुछ लोगों में इन दोनों परेशानियों के कारण भी ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति को धातु रोग हो तो इसका इलाज क्या संभव है, क्या खानपान इसका कारण हो सकता है, शुद्ध विचार होने से क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो धातु रोग है, धातु रोग जो होता है वो हमारे पेट से संबंधित होता है। हम गलत खानपान और गलत रहन सहन के कारण हमें धातु रोग हो जाता है। जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं या जो गर्म चीज़ें खाते हैं, उनके पेट में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और गर्मी ज़्यादा हो जाने के कारण धातु रोग हो जाता है। उनका एक सवाल और भी था कि शुद्ध विचार, बहुत सारे जो टीनेजर्स जो होते हैं, जो कम उम्र के लड़के होते हैं, जैसे 14 साल से लेके 20-21 साल तक, उनको नाइटफॉल मतलब स्वप्न दोष ज़्यादा होता है। उसका कारण सिर्फ उनका पेट और उनके विचार होते हैं।
रात में ज़्यादा खाकर या ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या फिर जो सोते टाइम उनके विचार कुछ गलत होते हैं, जो उनको वो सारी चीज़ें सपने में दिखाई देती है जिसके कारण उनको स्वप्न दोष हो जाता है। अगर आपको इन दोनों बीमारी से बचना है, धातु रोग से या स्वप्न दोष से, तो पहली चीज़ अपने खान पान को और रहन सहन को सुधारिए, और दूसरी चीज़ आप सोते समय अच्छे विचारों के साथ सोइए, और सोने से पहले मुंह, हाथ और पैर हमेशा धो के सोइए। अगला क्वेश्चन है, क्या ईडी की प्रॉब्लम का उम्र से संबंध है? क्या बढ़ती उम्र में भी ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कोई भी बीमारी का किसी भी उम्र से कोई संबंध नहीं होता है। कोई भी बीमारी आदमी को किसी भी उम्र में हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं ईडी की, तो मैं सिर्फ ईडी के बारे में बताऊंगा। ईडी की जो परेशानी है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकती है। वो 30 साल में भी हो सकती है, वो 40 साल में भी हो सकती है, वो 50 साल में भी हो सकती है। किसी भी उम्र में ये बीमारी हो सकती है। बट हमने ये चीज़ देखी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती है। मगर आजकल का जो खान पान है, रहन सहन है या स्ट्रेस भरी लाइफ है, उसके कारण ये यंगस्टर्स को भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ लोग मानसिक तनाव में ज़्यादा होने के कारण उनकी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो समय से पहले इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आप शुगर से परेशान हैं तो ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है? और क्या डायबिटिक पेशेंट ईडी की बीमारी से ठीक हो सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे जो कारण है बीमारी का वो फिजियोलॉजिकल है, मतलब शरीर में कोई ना कोई ऐसा रोग हो गया है जिसके कारण ये वाली बीमारी हो गई है। शुगर मतलब डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रोग है जो कई बीमारियों को पैदा करता है। वैसे ही डायबिटीज़ होने के कारण बहुत सारे लोगों को ईडी की परेशानी हो जाती है। सबसे पहले इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं उनको अपने रहन सहन और खान पान में सुधार करना होगा। उनको अपनी जो शुगर है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, अगर फिर भी उनकी स्थिति नॉर्मल नहीं होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो दवाई से किसी भी उम्र के व्यक्ति की बीमारी ठीक कर सकते हैं। 65 की उम्र के बाद यदि ईडी की प्रॉब्लम है तो क्या करें? अगर किसी व्यक्ति को 65 की उम्र में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी हुई है, अगर उसका शरीर सक्षम है, वो दवाइयों से असर कर सकता है, तो वो बीमार बिल्कुल ठीक हो सकती है। उनको उनकी जो ईडी की परेशानी है बिल्कुल ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोग ईडी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्या इसका इलाज संभव है या केवल यह एक भ्रांति है? देखिए, बहुत सारे लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, यह बिल्कुल सही बात है। उसका कारण यही है कि आजकल का जो वातावरण है वो बहुत स्ट्रेस वाला है। हम लोगों का जो खान पान है बहुत गलत हो गया है, रहन सहन बहुत गलत हो गया है, जिसके कारण इस तरीके के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मगर इस तरीके के पेशेंट मानसिक रूप से ज़्यादा होते हैं और शारीरिक रूप से कम होते हैं। इसीलिए हमको अगर इस बीमारी से बचना है तो हमको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा, और हर उम्र के व्यक्ति के लिए कुछ दिनचर्या होती है, उसका अगर पालन करता है, मानसिक रोगों से अगर वो बचता है, उसका जो आत्मविश्वास है वो अगर बढ़ाता है, मतलब सेल्फ मोटिवेशन, या किसी की हेल्प भी ले सकता है, तो इस बीमारी से निश्चित रूप से बच सकते हैं। हाई बीपी के लोगों को ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल, हाई बीपी के लोगों को ईडी की प्रॉब्लम्स बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हाई बीपी जो होता है वो एक फिजियोलॉजिकल एक कारण बन जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण इस तरीके की बीमारी को पैदा कर सकता है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। और ईडी की प्रॉब्लम वालों को डॉक्टर की ही देखरेख में इलाज कराना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बीपी को अनदेखा कर देते हैं, मगर इस तरीके के ट्रीटमेंट में हम बीपी को अनदेखा नहीं कर सकते, उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारे लोग टीवी में ऐड देख के या अखबार में ऐड देख कर कुछ दवाइयाँ खा लेते हैं और उनको शायद पता नहीं होता है कि उनका बीपी ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों से मेरी ये निवेदन करता हूँ कि कभी भी आप इलाज कराएं तो किसी चिकित्सक से ही कराएं, और सारी अपनी हिस्ट्री देखें, जो जो आपकी परेशानी है उसका भली भांति आप जांच करा के ही इलाज लें।